के जिला कपूरथला के गांव मेहमद वाल का जैविद आज लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। मात्र 6 माह के जैविद के सिर में पानी जैसा द्रव भर जाने की दुर्लभ बीमारी से उसकी यह हालत हुई है। उसके माता पिता ने उसे अमृतसर स्थित एसजीबीसी के अस्पताल श्री गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती करवाया था। इलाज में उनके करीब 4 लाख रुपए लगे, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो सका। सर बच्चे को जाने के सिर दे विच पानी पैंदा सी ते अहीं पहलों अमृतसर इलाज कराया, उन्होंने सही नहीं किया जी। तो उन्होंने को सही ना होने के कारण फिर सानू इत्थे आना पिया जी। अहीं जाने के ने 19 तरीक तो एडमिट आ जी इत्थे। तो बच्चे की हालत बहुत गंभीर है जी। सारिआं दे गड़ी अरदास आई हुई भी मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श देन जी, रल के जिंदगी बचा लैन जी। मेरा तिना तिना दिन बाद काका होया जी। मेरी इन्नी क्षमता नहीं है मैं इस बच्चे का इलाज करा सकता जी। हूँ तक 4-4.5 लाख रुपये लगा चुका जी, वह भी 5 रुपये सैकड़े ब्याजू चाके जी। हूँ संस्था पूरा पूरा सहयोग दे देते पे जी, सारा संस्था इलाज कराते पे जी। महाराज संस्था बड़े बड़े आरजू है, बड़े बड़े बुलंदियों छूंगे जी। सरकार को यह अपील है भी जिदा अज मेरा बच्चा मरता पाया, इदा होरना कोई मरे गांह, उन्होंने इस इलाज बारे कोई कानून कोई एक्ट बनाना चाहिए जी। एक्चुअली ये सीएमसी में एडमिट हुए थे सैटरडे को अराउंड 12:30 o'clock। उस टाइम पे कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, तो सर ने बोला कि न्यूरोलॉजी में एक बार दिखा दो। तो न्यूरोलॉजी में दिखाने के बाद फिर सर ने डिसाइड किया कि कंडीशन ये है कि उनको एडमिट करना पड़ेगा। और एडमिट करने के बाद उनकी जो कंडीशन है अभी ठीक है, पर इतनी कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि जो पिछली जो उनको जहाँ से ट्रीटमेंट पहले किया है अमृतसर से जो ट्रीटमेंट किया है, तो वो पूरा प्रॉपर नहीं हो पाया। उसको सर हाइड्रोएन्सेफेलाइटिस है, जो मोस्टली कॉमनली रेयर केसेस होते हैं जो इंडिया में, और उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ब्रेन के अंदर। और अभी बच्चा वैसे बहुत छोटा है, तो उस वजह से कंडीशन ज़्यादा ख़राब है उनकी। अभी उनका सर ट्रीटमेंट डॉक्टर ग्रेवाल सर के अंडर में चल रहा है अभी ट्रीटमेंट। सर ने बोला कि अभी ये क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, और बच्चे का वेट के अकॉर्डिंग भी वो ग्रोथ नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग सर ने बोला कि अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो